अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा कंफर्म कर दें आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आवाज। अप्लाई कर दी एमपीटी की? अभी तक वेबसाइट नहीं हुई ओपन। चलो परेशान नहीं होना, हो जाएगी। अगर वो एफपीएससी के मसला है वो एक्सटेंड देर बाद में। अप्लाई करवा देंगे बेफिक्र हो, जब ओपन हो जाएगी ना क्लास में डेमो रख देंगे इस तरह पावर पॉइंट पे। वैसे इतना इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे तो खुद ही करना चाहिए, तो इतना सेल्फ गाइडिंग होता है सारा करना। चले अच्छा, आज हमने तीन चार बेसिक बेसिक से टॉपिक्स हैं वो करने। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ नेपोलियनिक वॉर्स है, उनका ब्रिटेन के ऊपर इम्पैक्ट है। उसके साथ कुछ बेसिक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम आप लोग इजीली कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस वाले कितने स्टूडेंट्स? एक्सक्यूज मी सर, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कॉन्सेप्ट्स आपको ओवरऑल बड़ा हेल्प करते हैं। पोस्ट बना लेता है।
चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है पोल साइंस, मतलब आई थिंक पोल साइंस में है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा की कॉन्सेप्ट्स उसके पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या फर्क होता है चेंज और रेवोल्यूशन में वॉइस? हाँ सेम है, यानी कि चेंज और रेवोल्यूशन सेम है। ओके सर रेवोल्यूशन वायलेंट होता है, जी रेवोल्यूशन वायलेंट होता है, चेंज पीसफुल हाँ होती शौकत बताओ आवाज। है। मैं सर ये कह रहा हूँ कि रेवोल्यूशन जो होता है वो वायलेंट होता है, चेंज पीसफुल होती है। ओके ओके क्या हुआ मौका इसको ना मैं टेक करूं बेटा, उसको रिस्टार्ट करके दोबारा बोलो, कोई आवाज सर अब आवाज आ रही है। एक्टर्स होते हैं, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है। और हाँ शौकत आप बताओ। सर मैं कह रहा था कि रेवोल्यूशन जो होता है वो वायलेंट होता है जनरली, और चेंज होती है वो पीसफुल होती है। अच्छा शौकत हमेशा वायलेंट नहीं होता, पीसफुल भी होते हैं, जिस तरह ग्लोरियस को हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, या ग्लोरियस कहते हैं। कुछ रेवोल्यूशन बड़े पीसफुल होते हैं, और आमतौर पर रेवोल्यूशन का एक बच्चे ने अच्छा पॉइंट बताया है कि रेवोल्यूशन हमेशा ना डायरेक्टिव होता है। डायरेक्टिव का मतलब है कि उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने वाले, वो चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो। चेंज हमेशा अब्रप्ट होता है, नॉन डायरेक्टिव होता है, हैपहजर्ड हो सकता है, ठीक है। तो बाकी रेवोल्यूशन ब्लड रेवोल्यूशन भी हो सकता है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी हो सकता है, सोशल रेवोल्यूशन भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, काफी टाइप्स होती हैं। कर लें हाँ जी। रिजीम है ना, एक सेटअप तो है, तो वो उसके लिए ना जरूरी है कि आप, हमने उस दिन में डिस्कस किया था कि जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है ना, तो आपकी किसी भी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, आपकी मिडिल क्लास, इलीट क्लास और लोअर क्लास। तो लोअर क्लास और इलीट क्लास है ना, दे आर टोटली इररिलेवेंट इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन। लोअर क्लास प्रोटेस्ट पे जाएगी, घर का चूल्हा नहीं जलेगा, वो तो फोन भी नहीं कर सकते। एलीट क्लास का मसला ही नहीं है, ना इकोनॉमिक मसला, ना रिलीजियस मसला, ना कल्चरल मसला, उनके पास तो सब कुछ है, वो वैसे भी हैव्स वाले ग्रुप में आते हैं। तो बाकी तबका बचता है मिडिल क्लास, ये 4 दिन तो पिछले इतनी सेविंग होती है कि वो सस्टेन कर सकते हैं। तो जब मिडिल क्लास को आप पिंच करते हो या मिडिल क्लास के इंटरेस्ट को हर्ट करते हो ना, तो फिर आपके मुल्क में रेवोल्यूशन आता है। तो अब मिडिल क्लास देखो ना, आपके सामने है, वो मिडिल क्लास पाकिस्तान में ना इतनी प्रोएक्टिव है, ना इतनी डायनामिक है, और ना ही इतनी माशाल्लाह से इंगेजिंग है, वो इंगेजिंग है कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करे। किसी लीडर की क्या होती है, बिल्कुल जो चीज याद रखें, जो रेवोल्यूशन है ना, उसके अंदर आपने रिसोर्सेज को बड़ा केयरफुली यूज करना होता है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके दूसरे। देखो ना, कोई भी रेवोल्यूशन इकोनॉमी के बगैर आ सकता है। आपने अगर कोई मूवमेंट करनी है, लोग जब बाहर निकालने हैं, क्या वो भूखे आपके साथ खड़े होंगे?
उन्होंने घर में तो फैमिलीज है ना, आपने उनके घरों को भी सस्टेन करना है, आपने उनको ऑन रोड विद शेल्टर और बेसिक फूड कमोडिटीज प्रोवाइड करनी है। एक तो आपको स्पॉन्सर चाहिए बड़ा तगड़ा इसके लिए, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपको चाहिए पॉलिटिकल पैट्रनेज, प्रोटेक्शन चाहिए कि कल को छत्तर जब पड़ने लगे तो गवर्नमेंट थोड़ा सा शर्म याद करे। ये ना ऐसी पॉलिटिकल वेपनाइजेशन हो या ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो कि एक रेजर लेके और बिल्कुल रेस करते हैं आपकी आइडेंटिटी को, जिस तरह चाइना के अंदर हमने डिस्कस किया था ना, वो जो हुआ था टियानामेन स्क्वायर का वाकया, के 70-80 स्टूडेंट्स थे, दे ट्राइड टू पुट अप देयर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट और उनके उनको बुलडोज कर दिया गया था, उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दी गई थी। तो इसलिए मिडिल क्लास का प्रोटेस्ट करना और एक स्टेटस को चैलेंज करना, उसको अपलूट करना, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन चाहिए, आपको पॉलिटिकल जो हाउस है ना उसके अंदर बड़ी अच्छी सपोर्ट चाहिए। स्टेट की रिट जो है ना, स्टेट बिल्कुल, लेकिन देखें रेवोल्यूशन आता ही तब है जब आप स्टेट को ललकारते हो। और स्टेट जो है ना, एक चीज याद रखें, स्टेट को ऐसी सेपरेट या ऐसी वैक्यूम के अंदर पड़ी हुई एंटिटी नहीं है। स्टेट बेस करती है पॉपुलेशन के ऊपर, डेमोग्राफी के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, रिसोर्सिस के ऊपर, और अल्टीमेट इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती है पॉपुलेशन। यार गवर्नमेंट तो आपके कैपिटल के अंदर स्टेशन होती है, बाकी तो सारे के सारे मैसेज होते हैं, तो अगर वो मैसेज रिजोर्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो फिर रास्ता बन जाता है रेवोल्यूशन का। आप चाइना के अंदर कॉम्युनिस्ट रेवोल्यूशन देख लें, ठीक है, आप इसी तरह से रशिया का रेवोल्यूशन देख लें किस तरह से हुआ है। जार यार पाकिस्तान के अंदर तो उस तरह की रजीम है ही नहीं वायलेंट जितने वो थे, जार रजीम रशिया की देख लें, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो कम्युनिस्ट रजीम थी चाइना की, तो इसलिए जब आपकी मिडिल क्लास मोबिलाइज होती है और उनके पास एक अच्छा इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, नंबर वन जो उनको स्पॉन्सर करता है उस सारी मूवमेंट के अंदर, उनके पास वेपन्स होते हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, प्रोटेक्शन होती है, तो फिर वो उस चीज को। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ब्लड रेवोल्यूशन के तो चांसेस नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड, देखो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना, ये बहुत हद तक ना वो एक रिलीजियस सोसाइटी मानी जाती है, तो यहाँ पे मोरालिटी के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो एक रोल है, वो प्ले करती मोरालिटी, तो इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आया भी ना तो उसकी नौबत नहीं आएगी। अगर सिंपल सी बात है, अगर एक मेजोरिटी सिंपल प्रोटेस्ट भी करती है ना तो रेवोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मेजोरिटी का प्रेजेंट करने की जरूरत है, डिमॉन्स्ट्रेट करना नहीं, ना करते यार, करते नहीं ये कभी। मुझे ये बताएं कितनी आबादी है, कभी 1 लाख बंदा निकला, 1% आप गाल ना आगे जाए ना, जो है वो देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब, हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो आपका स्टेटस को चल रहा है ना उसी को सस्टेन करें। तो फिर ये रेवोल्यूशन कैसा, अगर सब कुछ वैसे ही चलेगा तो फिर कैसा। नहीं, नहीं, चेंज हुआ वो डिवाइन, देखो ना ब्रिटेन के अंदर आया मोनार्की से पार्लियामेंटेरियनिज्म आ गई, यहाँ भी मोनार्की थी सेम, वही डिवाइन राइट था किंग्स का, वो खत्म हुआ और यहाँ पे इनफ्रेंचाइजमेंट आई। तो ये जो रेवोल्यूशन यहाँ पे आया ना यूरोप के अंदर, इन्होंने बड़े तगड़े किस्म के मोनार्क्स को अपॉइंट किया था। पाकिस्तान में तो सारा की मोनार्की है ही नहीं, कुछ इम्यूनिटीज आ गई है। पहले स्टेट के पास इम्यूनिटी नहीं थी, जो पहले आपके पास प्रिमिटिव स्टेट थी ना वो किसी भी फॉरेन इन्वेजन या किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन से इम्यून नहीं थी, ठीक है ना, कि कोई भी बाहर की फोर्स, कोई भी बाहर का एलिमेंट इंटरनल अफेयर्स में क्या इंटरवीन कर सकता था, और दैट वाज टोटली लेजिटिमेट बेस्ड ऑन पावर डायनेमिक्स। अब ब्रिटेन था, फ्रांस के साथ पंगा ले रहे हैं, इसलिए ताकि बैलेंस ऑफ पावर अचीव करे और किसी एक एंटिटी को ज्यादा मतलब उसको इतना स्ट्रॉन्ग ना होने दे कि पावर डायनेमिक्स शिफ्ट हो जाए या चेंज हो जाए। आज स्टेट बहुत हद तक इम्यून है, इम्यून फ्रॉम किसने इम्यून किया, सोवरेनिटी के प्रिंसिपल ने, टेरिटोरियलिटी के प्रिंसिपल ने,
नेशनल इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल में, ठीक है। आज अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लेते हैं कि भाई बड़े इनफेक्टिव हैं, बड़े लिमिटेड है अपने ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी आज स्टेट के पास इम्यूनिटीज है। आज अगर कोई इस्टेब्लिश्ड रिजीम को स्टेट के अंदर से चैलेंज करता है तो इंटरनेशनल लॉ भी उसको स्टेटस देता है बलिजरेंस का, सेपरेटिस्ट का, और स्टेट को एम्पावर करता है कि आप उनको फोर्सफुली रिपेल भी कर सकते हैं, सप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के जो उनके ऊपर एप्लीकेशन होगी, अगर वो मर गए हैं, मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अमन की, तो आप उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दें। लेकिन ये इसको कभी वो नहीं कहेंगे। अब देखो जिस तरह किसी भी कंट्री के अंदर अगर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है तो बेटा वो उसकी ना सॉवरेनिटी के लिए चैलेंज है, और हर कंट्री अपनी टेरिटोरियलिटी के अंदर चैलेंजेस को एक्सप्रेस कर सकता है। कोई भी दूसरा कंट्री अगर इंटरवीन करेगा तो वो इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंशन उसको कंसिडर किया जाएगा, एंड दैट वुड बी अ निगेशन ऑफ सॉवरेनिटी। हाँ इंडिया ने कितने किए हैं उन्होंने? इंडिया सर, हमारा तो इंडिया का मुकाबला नहीं, अगर ऑफ कंपेयर वही एशिया करते हैं ना, अगर हम बात करते हैं सर्टेन ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, तो साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा वायलेशंस वो इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान उस लेवल की नहीं है। आप इंडिया के अंदर भी रिसेंटली देखो मणिपुर के अंदर जो क्रिश्चियन वीमन के साथ क्या किया गया, असम के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, त्रिपुरा के अंदर इश्यूज हैं वहां पे भी। इंडिया में है 1.4 बिलियन हाँ जी, मणिपुर नहीं सिर्फ एक नहीं, दिल्ली हो रहे हैं। कंट्री के इश्यूज होते हैं यार, लेकिन ये कि हर कंट्री अपनी फेडरेशन के अंदर रह के ना चीजों को, उसके पास अथॉरिटी है, इसको हम कहते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर ऑफ अ कंट्री टू हैव फुल कंट्रोल ऑन इट्स गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स। यार हमारा तो उसमें आता ना, आपने जब आपका बन रहा था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो हमने की ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आया था, हाँ 1949 में। चलो खैर अभी हम बढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बेसिक नोशन थी दैट वाज, ये चूंकि आम कॉमन पॉपुलेशन लेके आई थी तो लोगों का जो नारा था दैट वाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ बिल्कुल, सबके लिए। हर रेवोल्यूशन का ये है कि लोग, पीपल आर द ऑनर्स ऑफ अ स्टेट। लोग एक स्टेट को होल्ड भी करते हैं, लोग एक स्टेट को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लोग एक स्टेट को सस्टेन भी करते हैं। यार कोई रियासत अवाम के बगैर उसका कोई वजूद है? आम के बगैर तो रियासत का वजूद ही नहीं है। वो देखो ना, रियासत के, आपने रियासत को जब डिफाइन कर दिया कि रियासत की एक टेरिटरी है, रियासत की एक पॉपुलेशन है, तो जब आप एक फैक्टर निकाल दोगे, रियासत कैसे एग्जिस्ट करेगी? क्या कोई खाली खित्ते को हम रियासत का नाम दे सकते हैं? क्या अंटार्कटिका एक रियासत है? तो पॉपुलेशन को होना जरूरी है। पॉपुलेशन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ स्टेट पहले, ठीक है। अच्छा अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो अरे देखिए अंटार्कटिका की रिजेंटमेंट बात कर रहे हैं। आया ना, वो हमेशा आया पॉपुलेशन की रिजेंटमेंट से। जब लोग रूलिंग एलीट से बड़े डिसेंट करते हैं, बड़ा उससे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनकी इनइक्वालिटी से, इनजस्टिस से, तो फिर वो क्या करते हैं, सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो अगर हम जिस तरह ब्रिटेन में जीत ली ना, आपने देखा ब्रिटेन के अंदर भी क्या सिस्टम को रिलेट करो, ब्रिटेन के अंदर भी मोनार्की थी, एक नोबिलिटी थी, बाकी आम पॉपुलेशन जो थी वो टोटली सेपरेटेड थी फ्रॉम द नोबिलिटी। तो आप देखिए फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है कि जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है ना, बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड है, एक वो है जो प्रिविलेज्ड है, एक वो है जो अनप्रिविलेज्ड है। प्रिविलेज का मतलब क्या है कि उनको टैक्स एग्जम्पशन है, टैक्स की माफी है, ठीक है। और नंबर दो, उनको हर किस्म की सहूलतें दी जा रही है, अगर उन्हें इबादत करनी तो उनके लिए सेपरेट चर्च स्टैब्लिश किए गए, इसका दो कम्युनिटीज के अंदर जो। और एक आम पॉपुलेशन थी कैथोलिक्स, लेकिन वो थे तो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट अपने जी जी कर उन्हें इधर कॉल कर दी बच्चे हैं गीत का।
लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अगर सारे कम्युनिटीज को हम ब्रॉडर क्राइटेरिया पे जाओ, लेट्स से हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे जाते हैं, तो दो कैटेगरीज आएंगी, हैव्स और कल परसों आ रहे हैं मैं, हां जी, प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड। अब ये जो तीन चार कैटेगरीज आएंगी, अंडर प्रिविलेज्ड के अंदर भी किसान आ जाएंगे, आम वर्कर्स आ जाएंगे, पीजेंट्री आ जाएगी, ठीक है, सारे किसानों को मिला के आप एक कैटेगरी बनाते हो बेस्ड ऑन अ सिंगल क्राइटेरिया। अगर तो मजहब का क्राइटेरिया निकाले तो यहाँ पे पांच छह फिर क्या निकल आएंगे, लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया निकालोगे तो फिर भी पांच छह ग्रुप्स निकल आएंगे, तो लिंग्विस्टिक नेशनल कल्चरल उस क्राइटेरिया से अगर ऊपर चले जाए ना बेस्ड ऑन सोशल प्रिविलेजेस या बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी, तो फिर आपके पास यही दो ग्रुप्स आते हैं हर जगह पे, वो जिनको सूरतें मुयस्सर हैं और वो जिन बेचारों को कोई पूछता नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंच कम्युनिटी दो हाफ में डिवाइडेड थी, एक वो जो सूरतों से फायदा उठा रहे थे जिनके लिए प्रोटेक्शन थे पूरे फ्रेंच रिजीम में, और एक वो जिनके ऊपर टैक्सेशन बहुत ज्यादा थी, जिनके लिए किसी किस्म की ना टैक्स में माफी थी, ना कोई सूरतें थी, ना किसी और तरह की फैसिलिटेशन थी। और दूसरा जो था फ्रेंच के अंदर जस्ट बाय ब्रिटेन, दैट वाज एब्सोल्यूटिज्म, एक किंग है, एक मोनार्क है, अल्टीमेट अथॉरिटी उसके पास है, कानून उसने बनाना है, कानून को अप्लाई उसने करना है, ठीक है, कानून की तशरीह भी वो करता था। तो आप समझें कि लॉ वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ किंग, किंग लॉ को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकता था। देखें जो हमने दो कैटेगरीज बनाई थी ना, प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड, उनके अंदर आप देखें तीन वैसे बेसिकली तीन क्लासेस, पहली क्लास कम फर्स्ट स्टेट है जिसके अंदर सारी की सारी रिलीजियस नोबिलिटी आ जाती है, यानी कि जो बड़े बड़े पॉप्स थे उनके जो रिलीजियस उनके चर्चिस को हेड कर रहे थे ना वो टॉप पे ये थे टॉप, सेकंड आ जाती है नोबिलिटी, वो नोबिलिटी जो के बेसिकली रॉयल कोर्ट के साथ एस्टेब्लिश्ड होती थी या फिर उनके मोनार्की के साथ एसोसिएटेड, और तीसरे पे आती थर्ड स्टेट या थर्ड क्लास, और इसके अंदर आपके सारे वर्कर्स, अर्बन वर्कर्स और फार्मर्स वगैरह सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी पहली दो कैटेगरीज है ना, ये मिलके बनाती है प्रिविलेज्ड क्लास, और जो आपकी थर्ड स्टेट है वो बनाती है अनप्रिविलेज्ड, यानी कि सारी की सारी जो अथॉरिटीज है, सारी की सारी जो फैसिलिटेशन है
वो पहली दो स्टेट एंजॉय कर रही है, जो थर्ड स्टेट है वो सिर्फ इनका वोट बर्दाश्त कर रही है। तो ये आप इनका कंपैरिजन है, आप देख लें। अगर इनका सब पॉपुलेशन को कंपेयर करें फ्रेंच की, देखें जो आपकी फर्स्ट क्लास है क्या तादाद थी, 1,30,000। सेकंड में नॉबल्स की तादाद 1,10,000 थी, और जो थर्ड आपके पास है जो आपकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास है उनकी कितनी तादाद है, 2,25,000, 2,50,000, ठीक है, ऑलमोस्ट 2,50,000, यानी कि जो आपकी लोअर मिडिल क्लास। अच्छा प्रिविलेजेस है कि जो आपके पास फर्स्ट क्लास है या फर्स्ट स्टेट है क्या करते थे, कलेक्टेड द टिथ, एक खास किस्म का मजहबी टैक्स है, या फर्ज करें अब जो आपके पास है फ्रांस, इट वॉज अ प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक स्टेट, तो प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर एक रिलीजियस टैक्स इम्पोज किया जाता था, वो कौन कलेक्ट करते थे, क्लर्जी। ये क्या करती है, इनके पास अथॉरिटी मीडिया और प्रेस को सेंसर करने की, ठीक है, ये एजुकेशन को कंट्रोल करते थे। आपको पता है जिस स्टेट में मोनार्की होती है ना, वहां पे पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा टूल यूज करते हैं एजुकेशन। आमतौर पे जो मजहब है ना, मजहब के अंदर आपकी महरूमी को सबर के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक इंसान को अगर कुछ नहीं ना मिल रहा, कहते अजर अल्लाह आपको देगा, सबर का फल मीठा होता है, ठीक है। तो जो आपकी ग्रीवेंसीज हैं या जो आपकी है ना इनजस्टिसेस, उसको लिंक कर देते हैं पेशेंस। सर आपकी आवाज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप इस हालत में रहें और सबर करें, अच्छा अजर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एजुकेशन को कंट्रोल करते थे। बर्थ्स, डेथ्स और मैरिजेस वगैरह का जो रिकॉर्डिंग थी वो भी इनके पास होती थी। कैथोलिक फेथ ऑनर्ड पोजीशन ऑफ बीइंग द स्टेट रिलीजन। अब देखें यहाँ पे जो स्टेट, हम बात करते हैं ना दुनिया के अंदर रिलीजियस डिवीजन की, इस्लाम के अंदर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बड़ा प्रोनाउंस्ड है, तो आपको ब्रिटेन के अंदर या यूरोप के अंदर नजर आएगा कि जो आपकी कैथोलिक्स थे ना, उन्होंने क्रिश्चियन अपनी क्रिश्चियनिटी को अलग रिलीजन बना दिया था, और प्रोटेस्टेंट्स अपने आप को कैथोलिक से टोटली डिफरेंट समझते, एक अलग एंटिटी के तौर पर ट्रीट करते थे। और पूरे का पूरा जो फ्रांस है उसके 20% लैंड है, जो 20% फीस आमतौर पर हमको कहते हैं रियासत की जमीनें, उनको फीस कहते हैं, ठीक है। उनको कौन ऑन करती थी, फर्स्ट क्लर्जी का आपकी फर्स्ट स्टेट। अच्छा अब इनकी एग्जेम्पशन देखें, दे पेड नो टैक्सेस, हर किस्म का टैक्स इनको माफ है, और दे वर सब्जेक्ट टू चर्च लॉ अदर देन सिविल लॉ, आम कानून इन पे अप्लाई नहीं होता था। अपना खुद भी चर्च के साथ एसोसिएटेड थे, तो चर्च डिसाइड करता था कि आप खुद देख लें, अंधा बांटे रहे, अंधा बांटे रहे और अपनों को ही दे दे, ठीक है। तो जब चर्च इनको सजा देगी तो आपको पता है कैसी सजा देगी। इसी तरह अगर हम बर्डन की बात करते हैं, तो इनके ऊपर ना लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं थी, कानून के पास आ रही सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन थी, क्योंकि ये लोग एसोसिएटेड थे चर्च के साथ, लोगों के लिए उन्होंने अपना इमेज बड़ा बिल्ड करके, वो ये ना करें कि चर्च में रहते देखो, वे अपनी जो मॉरल रिफॉर्मेशन आपको पता है इनकी मजहबी दलील क्या आती थी, डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, अल्लाह ने डिसाइड किया है हुकूमत इनकी है, और जो कोई इनकी हुकूमत को क्वेश्चन करेगा वो मजहब से फारिग हो जाएगा, वो अल्लाह ताला के राइट को अपोज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आती है सेकेंड स्टेट। अब सेकेंड स्टेट पॉपुलेशन में दूसरे नंबर इंटरमीडिएट है। अब इनके पास क्या प्रिविलेजेस थी, ये फ्यूडल ड्यूज, जितनी भी फ्यूडल लैंड थी जो किसानों के पास होती थी उनका टैक्स कौन कलेक्ट करते थे, सेकेंड स्टेट। और दूसरा ये क्या करते, मोनोपोलाइज्ड मिनिस्ट्री एंड स्टेट अपॉइंटमेंट्स, यानी कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज की एबिलिटी इनके पास थी, किस स्टेट के अंदर किसको गवर्नर लगाना है, किसको आर्मी चीफ बनाना है, किसको मिलिट्री का अपने कमांड देनी, वो ये डिसाइड करते थे। और इनके पास भी कितनी लैंड थी, सिमिलर 20%, ओके। और फिर आप इनके एग्जेम्पशन देखें, इनके पास है, अब इनके ऊपर चर्च का लॉ अप्लाई, इनके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता था, सिविल लॉ, टैक्स ये भी कोई पे नहीं करते थे। अब इनका क्या सेम काम था, सपोर्ट द मोनार्की एंड ओल्ड रेजिम, कल कोई भी अगर अटैक होता है, कोई भी आपने मिलिट्री एक्सपीडिशन करनी है,
ये क्या करते थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर हम थर्ड स्टेट की बात करें, ये हमारे पास आता है डाउन ट्रोडन सेगमेंट, घिसा पिटा तबका, जो इनका, अब इनका बोर्ड सारा ये उठा रहा है, देखो ना इनमें से कोई भी टैक्स नहीं देगा, और रियासत को चलाने के लिए तो टैक्स जरूरी है, फाइनेंशियल आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, वो सारा का सारा बर्डन कौन टॉलरेट करता है, आपकी थर्ड स्टेट। तो अब देखो ये बेचारे, अब इनके पास प्रिविलेज में आपके सामने है, कोई प्रिविलेज नहीं थी, हर किस्म का बोझ इनके ऊपर था, ठीक है, ना इनको कोई एग्जेम्पशन थी, इनका इनके ऊपर बोझ क्या क्या थे, क्या इनका बर्डन था, दे पेड अबाउट टैक्सेस, हर किस्म का टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो चर्च के अंदर आता है आपका, चर्च से रिलेटेड जो टैक्स, उसमें ये पे करते, ये आपका चर्च का टैक्स। अब उसके बाद ये क्या करते थे, जो शिप के अंदर खाने पीने के अशिया आती थी ना, ऐसे अगर एक चीज की कीमत है 100 रुपया, उसके ऊपर एक मजीद रियासत टैक्स लगाती थी, जिसे हम कहते थे ऑफ, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो भी टैक्स कौन पे करते थे, थर्ड। हालांकि प्रोडक्शन भी इनके आते हैं, अब ये सारे किसान करना फसलें उगाने नहीं क्या कमाता, लेकिन जो उस फूड के ऊपर ये टैक्स पे करते हैं। उसके बाद फोर्थ तक, यानी कि जो स्टेट मेजर है वो भी इनसे डिवाइड है, पोल टैक्स, अगर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे हैं अपने जाती काम के लिए, वो भी पोल टैक्स में कोई देना पड़ता था, अस्सलाम इसके अलावा वालेकुम इनकम टैक्स का 100 टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेते थे, सर आपकी वॉइस टैक्स, नहीं आ रही हमें। सारे के सारे जो फ्यूडल ड्यूज थे वो ये पे करते थे। तो आप देखेंगे जो थर्ड स्टेट है ना, वो पूरी की पूरी फ्रेंच स्टेट का बर्डन टॉलरेट कर रही है, यानी कि सारी की सारी जो उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनकी कलेक्शन और उनकी मेंटेनेंस और उनकी सस्टेनेबिलिटी, ये थर्ड स्टेट के जिम्मे थी, और बाकी बेचारे सारे के सारे टैक्सों से माफ थे, यानी कि इन दोनों का बोझ इन बेचारों ने उठाया हुआ था। यह पिक्चर आपको दिखाएगी फ्रेंच रिजीम के, हम ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है बेचारा नीचे झुका हुआ है, ये थर्ड स्टेट है, और इसके ऊपर कौन बैठा हुआ, आपका सेकंड और फर्स्ट स्टेट। तो ये बड़ी परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है, थर्ड स्टेट की ये ऐसी है, इन्होंने आपके फर्स्ट स्टेट का और आपके सेकंड स्टेट का बोझ उठाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं इधर, यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, और थर्ड स्टेट बेचारे उनके नीचे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर वो खड़े हुए हैं, यानी कि पूरी फ्रांस, जो फ्रांसीसी रियासत की बुनियाद थी ना, वो किसके ऊपर खड़ी हुई थी, थर्ड स्टेट पे, हर किस्म का बोझ उनके ऊपर, रियासत को बहाल करने की जिम्मेदारी, सारे टैक्सेस उनसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, इन रिटर्न बेचारों को किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं है। अब आपको पता है चूंकि अथॉरिटेरियनिज्म थी, तो अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर जो उनके पास सेलिंग एजेंडा था वो क्या था, डिवाइन किंगशिप, क्या एजेंडा था उनका, डिवाइन मोनार्की या डिवाइन किंगशिप, वो क्या कहते थे कि जो मोनार्क है ना वो किससे रूल कर रहा है, डिवाइन राइट से, गॉड पुट द वर्ल्ड इन मोशन, गॉड सम पीपल इन पोजिशन ऑफ पावर, यानी कि अल्लाह ने लोगों को ये इख्तियार दिया है, उसके बाद पावर इज गिवन बाय गॉड, नो वन कैन क्वेश्चन गॉड। अभी इनकी लॉजिक चेक करें कि बंदा जो मर्जी जुलम कर रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है, आपने सवाल नहीं करना, क्यों, क्योंकि अल्लाह ने उसको भेज दिया, उसे उस खास अथॉरिटी उसको अल्लाह ने गिफ्ट की है, ठीक, नो वन कैन क्वेश्चन समवन पुट इन पावर बाय गॉड, क्वेश्चनिंग द मोनार्की वाज ब्लास्फेमी बिकॉज इट मेंट क्वेश्चनिंग गॉड, कि अगर बादशाह के खिलाफ गए समझे आप खुदा के खिलाफ गए, बादशाह के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई आपने, खुदा की चॉइस के खिलाफ आवाज उठाई। तो देखें इस तरह के मजहबी परसेप्शन जब फैला दी जाए, तो आमतौर पे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, तो वैसी मजहब के साथ कितनी ज्यादा कनेक्टेड होती है, वो तो अपनी मजहबी अटैचमेंट की वजह से इस तरह का सोचना भी गुनाह समझती है कि ऐसा काम नहीं करना, और ऊपर से एजुकेशन सारी टेक्स्ट बुक्स चर्च को कंट्रोल कर रही है स्टेट, और स्टेट जब रोज ये खुतबे देती होगी जी डिवाइन किंगशिप, अल्लाह ने
आपका ये जो है किंग डिसाइड किया है, इस खबरदार अगर आपने इसके खिलाफ सोचा तो आपका तो धर्म का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका आपके मजहब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो लोगों के अंदर वो एक मॉरल करेज है या लोगों के अंदर वो जो रिसेंटमेंट होती है ना वो खत्म हो जाती है। और आपको पता है हमेशा सफरिंग्स को रिलीजियस पेशेंस के नाम पे लोग मैनिपुलेट करते हैं। अब आप देखें मुनार के पास क्या गया, देखें कि एक तो वो इंटेंडेंट्स को अपॉइंट करता था, ठीक है, यानी कि फ्रांस के 30 डिस्ट्रिक्ट्स, और 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गवर्नर्स अपॉइंट होते थे, वो कौन अपॉइंट करता था, मुनार। उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए लोग थे वो भी बादशाह खुद अपॉइंट करता था। फिर ये देखेंगे आपको पता पहले बादशाहों के पास ब्रिटेन के अंदर भी एक कोर्ट एस्टैब्लिश करने की एबिलिटी थी, और फैमिली के पास भी थी, ठीक है, तो ये किसी को भी सजा दे सकता था। इसी तरह डेबिट ऑल टैक्सेस एंड डिसाइडेड हाउ टू स्पेंड द मनी। और आप लोग आगे चल के देखेंगे कि जितना टैक्स कलेक्ट होता था ना उसमें से 40% इसकी बीवी अपने फैशन में उड़ा देती थी, और बाकी सहा और बाकी तब भी होता था, और बाकी जो रॉयल पैलेस है ना, रॉयल पैलेस उसके अखराजात और उसकी मीटिंग्स को अटेंड करने में गुजरता था। और एट द एंड जब ये इंकलाब आया ना उससे 2 दिन पहले किंग लुई 16 साहब खजाने में जाते हैं और देखते हैं खजाना तो खाली हो गया है, एक सिक्का भी नहीं है खजाने के अंदर। क्यों होता था, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्टाइल था वो बड़ा लैविश था, एक तो अपना एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, दूसरा आप लोगों ने ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि ब्रिटेन ये फ्रांस जो है ना ये ओवरसीज वॉर्स के अंदर भी इन्वॉल्व रहा और कॉन्टिनेंटल वॉर्स के अंदर भी, 100 साल तो इसने जंगें लड़ी हैं ब्रिटेन के साथ, ठीक है। उसके बाद फ्रांस बेचारा ब्रिटेन अलायंस के साथ लड़ता रहा, आपको पता ऑक्सबर्ग अलायंस बना था जिसमें ब्रिटेन था, हॉलैंड था, ठीक है, और दूसरी स्टेट वगैरह, ठीक है, उनके साथ लड़ता रहा। फिर मेड डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड अल्टीमेट डिसीजन वॉर का या पीस का बादशाह खुद करता था, कंट्रोल द मिलिट्री, कंट्रोल जस्टिस बाय अपॉइंटिंग जजेस, ठीक है। तो ये एक मनार्की आपको सारी चीजें लिंक करेंगी, जिस तरह था ना आपके पास स्टुअर्ट फैमिली का। अब हम देखते हैं इकोनॉमी किस तरह, आपको पता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है, एक एग्रेरियन सोसाइटी है, वहां पे जितने भी पीजेंट्स या एग्रीकल्चरल वर्कर्स काम कर रहे हैं ना और वो बिलोंग करते हैं थर्ड स्टेट से, वो सारा का सारा टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रांस इकोनॉमी वॉज बेस्ड प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर, पीजेंट ऑफ फ्रांस बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, पुअर हार्वेस्ट में दैट पीजेंट्स हैड ट्रबल पेइंग देयर रेगुलर टैक्सेस। अब अक्सर क्रॉप फेलियर हो गई या उसकी यील्ड बड़ी कम हो गई, तो फ्लड आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, आपको पता उन दिनों में ड्रॉट्स बड़े कहत बड़े आते थे ड्रॉट्स वगैरह, ठीक है। तो उसकी वजह से टैक्स, तो आपको पता है आप लोगों ने पीछे पढ़े इनके पास किसी किस्म की किसी हालत में एग्जेम्पशन नहीं थी, तो अगर क्रॉप फेल भी हो गई है टैक्स इनको फिर भी देना पड़ता था जिस तरह मर्जी दे। सर्टनली कुड नॉट अफोर्ड टू हैव देयर टैक्सेस रेज्ड। उसके बाद जो आपकी बर्जेस ऑफन मैनेज टू गैदर वेल्थ बट वर अपसेट दैट दे पे टैक्सेस व्हाइल नोबल्स डिड नॉट, ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटा आपके पास मिडिल क्लास थी ना उनके पास दौलत थी लेकिन उनका भी कंसर्न ये था कि हम क्यों टैक्स देते हैं, जबकि एलीट जो सारे के सारे जो टैक्स को उड़ाती है हमारे को। अब फ्रांस क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, क्यों बैंकरप्ट हुआ, द किंग लुई 16 लैविश्ड मनी ऑन और हिमसेल्फ, तो मतलब है बेगम, बीवी पे लगाता था बहुत ज्यादा, एंड रेजिडेंसीज लाइक वर्जेल्स। अब तो जहां पे ट्रीटी ऑफ वर्जेल्स हुआ था 1919 में वो बेसिकली इसी ने बनवाया था जी। अच्छा, क्वीन मैरी एंटोनेट वाज सीन एज अ वेस्टफुल स्पेंडर, बहुत पैसा बर्बाद करती थी, गवर्नमेंट फाउंड इट्स फंड डिप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ, या आपको पता वॉर्स इसकी बहुत ज्यादा वॉर्स के अंदर ये रहा फ्रांस, इंक्लूडिंग द फंडिंग ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। बापू हमने जब पढ़ा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश हिस्ट्री में, हमने कहा था कि अगर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सक्सेसफुल हुई वजह ये थी कि उनके पास एक अच्छी स्टैब्लिश्ड स्पॉन्सर मौजूद था, वो कौन था, फ्रांस। फ्रांस ने फ्रांस को नेवल असिस्टेंस, क्योंकि अमेरिकन के पास अपनी नेवल पावर तो थी नहीं, तो वो आपको उन दिनों में ट्रांसपोर्टेशन भी किसके जरिए होती थी,
नेवल चैनल से, वो उनको कहाँ कहाँ से फैसिलिटेशन मिली, फ्रांस से। तो इन्होंने स्पॉन्सर किया लेकिन अपना डेफिसिट स्पेंडिंग, अब इतना तो माशाल्लाह पता ही होगा डेफिसिट किसे कहते हैं। डेफिसिट स्पेंडिंग का मतलब बेसिकली फिस्कल डेफिसिट ही होता है, यानी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है और स्पेंडिंग ज्यादा है। आ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर मनी देन इट टेक्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। प्रिविलेज्ड क्लासेस वुड नॉट सबमिट टू बीइंग टैक्स्ड। और अगर इकोनॉमी डिक्लाइन भी कर रही है ना, और बादशाह ने थोड़ा सा कहा लीड को चलो थोड़ा या थोड़ा करूंगा ना, टैक्स देने के मामले में कोई मजाक नहीं है, बाकी जो मर्जी कर रहे हैं। अब ये हालत हो गई है। अब देखें बेचारा वो इस खजाने की तरफ आया और खजाना सारा खाली हो गया। अच्छा, तो इन दिस कार्टून फ्रॉम द टाइम लोइस इज लुकिंग एट द चेस्ट एंड चेस्ट कहते थे उस बास्केट को जहां पे सारी ट्रेजरी होती थी। वेयर इज द टैक्स मनी, द फाइनेंशियल मिनिस्टर नेकेड लुक्स ऑन एंड सेज द मनी वाज देयर लास्ट टाइम आई लुक्ड। मतलब इतने सिम जो मैं लास्ट टाइम देखी सी। द नोबल्स एंड क्लर्जी आर स्नीकिंग आउट, ये देखिए लोग लूट के लेके जा रहे हैं। सैक्स ऑफ मनी सेइंग वी हैव इट, साढ़े को कर लो जो करना है। इसका मतलब ये है कि अगर मोनार्की स्टैब्लिश थी तो आपकी नोबिलिटी भी बहुत ज्यादा स्टैब्लिश थी, नोबिलिटी की एक्सेस थी रॉयल ट्रेजरी तक, ठीक है। अब हम फिलोसफी की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपको पता है एनलाइटनमेंट का एज था, लोगों ने आइडियाज के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी और लोगों ने कहा कि सिर्फ सब्जेक्टिविटी नहीं ऑब्जेक्टिविटी भी कोई चीज है, कि अगर दुनिया में कुछ लॉज हैं तो उनको क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ड्यूरिंग द रेनेसेंस हैड डिस्कवर्ड लॉज दैट गवर्न द नेचुरल वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल्स फिलोसफर्स बिगेन टू आस्क नेचुरल लॉज माइट ऑल्सो अप्लाई टू ह्यूमन बीइंग्स, पर्टिकुलरली टू ह्यूमन इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट्स की वैलिडिटी पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और पहली दफा उन्होंने क्या किया, रीजनिंग और लॉजिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा सफर करे, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसको इस पोजीशन में डाला है, उसकी अपनी भी बेवकूफी हो सकती है, उसकी अपनी भी कम अकली हो सकती है, या उसकी अपनी बुजदिली हो सकती है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। तो उन्होंने लोगों को लॉजिक और रैशनैलिटी सिखाई। यूज्ड रीजन एंड लॉजिक टू डिटरमिन हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्मड, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट लॉजिकल रैशनल प्रिंसिपल्स वर्क टू द पीपल टू देयर गवर्नमेंट्स एंड क्वेश्चन फर्स्ट टाइम क्वेश्चन द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। उन्होंने कहा ना, देखिए जी हर बात ऑब्जेक्टिव होती है, पहले तो सब्जेक्टिविटी थी ना, आपने कह दिया अभी डिवाइन राइट है। आप बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अल्लाह ने यह सनदे हुकूमत दी है, कोई बताएं इसका इन्वेस्टिचर। एक होता है ना, आपको पता है इसके अंदर एक सनद होती है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिचर। उन्होंने कहा भाई हम तो वो उस पर बिलीव करेंगे तो नजर आएगा जो ऑब्वियस होगा, तो आप इन्वेस्टिचर दिखाएं अपनी डिविनिटी का, कि कहाँ पर अल्लाह ने आपको कोई लेटर लिखा है, कोई सनद दी है कि आप किंग रहेंगे। तो इस तरह इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको फर्स्ट टाइम चैलेंज किया गया। क्या चैलेंज लोगों ने किया, लेकिन लोगों को किसने बेसिकली कंपेल किया, फिलोसफर्स ने। फिलोसफर्स ने कहा चीजें ऐसे नहीं जैसे बन गई हैं, चीजों को चेंज किया जा सकता है, का अकल का इस्तेमाल करो। हर चीज को मजहब के उस एलिमेंट में ना देखो, अगर आप सफर कर रहे हो तो इसका मतलब ये करना चाहता है आप सफर करो, आपका अपनी भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। देखो ना, आप जाके रास्ते में कुत्ता बैठा उसको ठुड्डा मार दो, वो काट ले, आपको अल्लाह ने लिखा हुआ था जख्म मेरी किस्मत में, इसलिए मिला है। अपने प्लॉट मेरे नाम कर दें। हाँ जी, तो ये है कि अगर हम इसकी, हाँ तो ये सारी चीजें हमने इसकी डिस्कस कर ली। वैसे इसकी लॉन्ग टर्म कॉजेज एब्सोल्यूटिज्म है, अनजस्ट सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है, पुअर हार्वेस्ट व्हिच लेफ्ट पीजेंट फार्मर्स विद लिटिल मनी फॉर टैक्सेस, और इनलाइटमेंट फिलोसफर्स का बड़ा कंसर्न है, उन्होंने वो पुराने दकियानूसी ख्यालात को तब्दील किया। फिर सिस्टम ऑफ मर्केंटाइलिज्म विच रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, आपको पता है कि यूरोप के अंदर 16 और 17 सेंचुरी के अंदर ना मर्केंटाइलिज्म का दौर आया था, कि जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन को किसने कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट ने।
और गवर्नमेंट चलेगी इकोनॉमिक रियलिज्म के अंदर, और गवर्नमेंट का मेन कंसर्न था कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनको अपनी टेरिटरी के अंदर एक्यूमुलेट करना है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा उतनी स्टेट पावर ज्यादा, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सक्सेसफुल रेवोल्यूशंस, अब आपको पता है इसके ऊपर अमेरिकन रेवोल्यूशन ने भी इम्पैक्ट किया, इसके ऊपर ब्रिटेन रेवोल्यूशन वो ग्लोरियस का भी इम्पैक्ट था, और ये दोनों रेवोल्यूशन ने, तो आपको पता है कि उन्होंने बाकी कम्युनिटीज को भी उनको थोड़ा से उनके जमीर झंझोड़े कि जनाब अगर कोई जितनी भी इस्टेब्लिश्ड मोनार्की है अगर वो अनजस्ट है, अगर वो रूल ऑफ लॉ के साथ अबाइड नहीं कर रही, और अगर आपके जस्ट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो आपको राइट पहुंचता है कि आप उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करें और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करें, इस्टेब्लिश उनकी उनके क्याम, इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है क्याम, इस्तेहकाम। वो जिस तरह आई ना इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी, तो लोगों ने कहा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इंग्लिश उन्होंने बताई पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है क्याम, इस्तेहकाम, मजबूती, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म अगर कॉजेज की हम बात करते हैं तो आपको पता है फ्रांस और बैंकरप्ट, और हुआ डेफिसिट स्पेंडिंग की वजह से, एक मलका के खराजात और दूसरे बादशाह के अपने शाहाना जो तर्ज अमल था। फिर जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स थे ना उन्होंने कुछ चेंजेस इम्पोज की जिससे नोबिलिटी को बड़ा फायदा हुआ, और उसके साथ अगर दूसरा देखें आपको पता फ्रांस के अंदर ना वो कहर बहुत ज्यादा आ रहे थे उस टाइम पे 16th और 17th सेंचुरी में, तो ये हंगर और पिजेंट्री और उसके बाद उसकी वजह से जो सोशियो पोलिटिकल स्टेटस था वो बड़ा क्राइपल्ड था, बड़ा बेचारा अनजस्ट था, ठीक है। इसी तरह स्टेट जनरल, ये जो इनकी नेशनल असेंबली है उसको हम कहते हैं स्टेट जनरल। तो जब हालात इतने खराब हुए तो फिर ये जो क्लास थी ना आपकी थर्ड स्टेट, उन्होंने कहा कि आप बंदे के पुत्र बन जाओ बहुत हो गया है, अब या तो हमारे टैक्स कम करो या इन दोनों क्लासों के ऊपर क्या करो टैक्स लगाओ, बस बहुत हो गया है, बड़ा अरसा हमने जो है ना बोझ बर्दाश्त किया है इस नोबिलिटी का, अब नोबिलिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये स्टेट नेशनल असेंबली की उनकी मीटिंग होती है, प्रिपरेशन होती है 1788। आपको पता है ये रेवोल्यूशन स्टार्ट भी 1789 में हुआ था और 1799 तक गया था, 4 फेजेस में हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर जो लोग थे उन्होंने अपने गमो गुस्सा लिखा, जो उनकी ट्रेडिशनल ग्रीवेंसेस थे उनको लिस्ट, और कोई भी ऐसी नई चीज नहीं थी जो पहले ना हो, वही लोगों के मसाइल वही लोगों ने बार बार लिखे, तो शायद इस दफा सुने जाएं। अब देखो ब्रिटेन के अंदर ना जब भी उनकी जनरल असेंबली का सेशन होता था ना तो बादशाह आमतौर पे थोड़ा सा डेमोक्रेसी का मोशन देने को कहता था कि आपके जो जो मसाइल है ना वो लिख के ले हैं, हम उस पर गौर करेंगे, लेकिन कभी गौर नहीं हुआ। तो इस दफा भी लोगों ने अपने वो सारे मसाइल लिखे कि शायद इस उम्मीद के साथ कि शायद इस दफा कुछ बेहतरी आ जाए, जिस तरह आप लोग वोट देते हो कि शायद कोई बेहतरी आ जाए, तो लोगों ने भी एक दफा फिर लिखी। अब यहां से भी आप स्टेटस देख लो, ये जो थर्ड स्टेट है बेचारा, इसको बड़े खड़ा किया हुआ है कि आपने उनको अटेंड करना है, उनको रिसीव करना है, उनको वेलकम करना है, अंदर गाइड करके बिठाना है। अच्छा अब देखो जब मीटिंग होती थी ना स्टेट जनरल की, अब क्यों इनके मसाइल नहीं सुने जाते थे कि आप लोग सुनो, अब जब जनरल असेंबली इनकी जो थी नेशनल असेंबली वहां पे जब इनकी मीटिंग होती थी ना वोटिंग होती थी, इनके वोटिंग का बड़ा ना एक डिफरेंट सा क्राइटेरिया था, ये कहते थे कि जब भी वोटिंग करनी है ना वोटिंग करनी बाय पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन से वोटिंग होती हो कितनी मेजोरिटी थी थर्ड स्टेट की, तो इसलिए हर एक स्टेट के पास एक वोट होता था। मसलन अगर आपके पास करेंसी है तो उनका एक वोट, अगर नोबिलिटी है उनका भी एक वोट, और थर्ड स्टेट का भी एक वोट। तो अब मुझे ये बताएं अगर ये वाली क्लास है ये कि टैक्स लगाएं तो इसके ऊपर वोटिंग होती है, तो एक जमा एक दो, तो ये जब भी के मुफाद के खिलाफ बात आती थी ये इकट्ठे हो जाते थे, तो इन्होंने कभी भी ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया कि जिससे इनको टैक्स देना पड़े या जिससे इनका टैक्स थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसलिए इस दफा इन्होंने पहली शर्त ये रखी कि ये जो स्यापा है ना वोट बाय स्टेट्स को खत्म करो और वोट बाय पॉपुलेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करो, ताकि जो मेजोरिटी है उसकी भी सुनी जाए। लेकिन वोट वोटिंग वाज कंडक्टेड बाय स्टेट, ईच स्टेट हैड वन वोट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स कुड ऑपरेट एज अ ब्लॉक
टू स्टॉप द थर्ड स्टेट फ्रॉम हैविंग इट्स वे. तो जहां पे उनकी मफाद की बात आती थी दोनों मिल जाते थे. उनका दोनों के पास कुछ इम्यूनिटीज थी, कुछ फैसिलिटेशन थी जो वो किसी भी कीमत पे लूज करना नहीं चाहते थे. तो फिर देखिए हुआ क्या, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थर्ड स्टेट डिमांडिंग दैट वोटिंग बी बाय पॉपुलेशन, दिस वुड गिव द थर्ड स्टेट अ ग्रेट एडवांटेज. और इस पे भी डेडलॉक आ गया. वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, ट्रिटी ऑफ वर्सेज जब बहुत बार एंड हुई थी ना, है कि आपकी अलाइड पावर्स जीत गई थी. ठीक है, उन्होंने वॉर की सेटलमेंट की पावर्स नहीं, ऐसी पावर्स को तकलीफ हुई थी जर्मनी के, उसे सके उसको कहते हैं पैलेस, पैलेस ऑफ पेरिस उसको कहते हैं, पैलेस ऑफ वर्सेल्स उसको कहते हैं. वहां भी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने सारी की सारी चाक का मलबा किस पे डाल दिया, जर्मनी में. और यही वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स था जिसने जर्मनी की स्टैंडिंग मिलिट्री को भी डिसॉल्व किया, उसकी जो कॉन्कर्ड लैंड थी वो भी उससे वापस रिकवर करवा ली, और जर्मनी की इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, अपरूट कर दिया. और उसके बाद जर्मनी इतनी बुरी हालत में चला गया, कहा जाता है कि लोग ना वो पैसों की बोरियां भर के लेके जाते थे, फिर जाकर उनको एक रोटी मिलती थी दुकान से, इतनी करेंसी डीवैल्यू हो गई थी. और यही वो बेसिकली डेप्रिडेशन थी, या यही वो अनजस्ट रिप्रेशन थी. एक बंदे से आपने बदला लेना है और आपने पूरी स्टेट को उस अजाब में झोंक दिया है, उसकी वजह से फिर हिटलर जैसे बंदे का राइज हुआ और उसने नेशनल ग्लोरी और नेशनल प्रेस्टीज के नाम पे पॉलिटिकल नेशनलिज्म की बुनियाद रखी, दुनिया में फासिज्म आई और इस तरह वर्ल्ड वॉर टू जो थी ना वो कॉज हुई. सर स्लाइड शो नहीं हो रही. पहले ये ना स्क्रीन शेयर करने लोगों ने सुना नहीं, पाकिस्तान अल्लाह का नूर है और नूर को जवाब नहीं है. ऐसे या ये ना उसको बुलाए जरा, जैन ये ना पता नहीं कोई नेट का मसला हुआ है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आवाज तो आ रही है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही. क्या हुआ है? आवाज आ रही है सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर. अच्छा ठीक है. अच्छा ये थोड़ा सा ना ये नेट का मसला कभी करते हैं, बल्कि आप लोग ना नमाज के ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद स्टार्ट करें. चले हाँ मैं इनको बता दें बेटा नमाज ब्रेक है, ब्रेक के बाद स्टार्ट.
उनके पास 1,30,000 होती है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, देखे कि अगर इनके पास 1,30,000 पॉपुलेशन है तो वोट इनका कितना, सिर्फ एक, क्योंकि वोटिंग होती थी बाय स्टेट। इसी तरह यहाँ पे वोटिंग, तो आम तौर पे जो थर्ड स्टेट है चाहे डाउन प्रोग्राम की, इसके इंटरेस्ट को हमेशा कौन प्रॉब्लम देते थे, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, देखे कि अगर इनके पास 1,30,000 पॉपुलेशन है तो वोट इनका कितना, सिर्फ एक, क्योंकि वोटिंग होती थी बाय स्टेट। इसी तरह यहाँ पे वोटिंग, तो आम तौर पे जो थर्ड स्टेट है चाहे डाउन प्रोग्राम की, इसके इंटरेस्ट को हमेशा कौन प्रॉब्लम देते थे, ये दोनों मिलकर टोटल 3 वोट्स होते थे, मेजोरिटी वोट होते थे 2, डेढ़ तो हो नहीं सकता था, ठीक है, आधा वोट तो आया नहीं, तो 2 वोट जिस तरफ चले गए ऑटोमेटिकली वो बात उसकी हो जाती थी वैलिडेट। अच्छा, फिर ये जो लोग थे ना थर्ड स्टेट वाले, इन्होंने कहा बहुत हो, मजीद हमने नहीं सुना बर्दाश्त करना, ये साथ एक टेनिस कोर्ट थी वहां पे इकट्ठे हुए और वहां पे इन्होंने फिर अपना एक एजेंडा बनाया कि अब हमने सिस्टम को चेंज करना है, ठीक है। तो द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ टू बी द नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा कि मेजोरिटी हम है, अगर पूरी फ्रेंच पॉपुलेशन को देखें तो हम ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रफली 60-65%, तो इसलिए जनरल असेंबली की रिप्रेजेंटेशन तो हमारे साथ, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, तो बाकी तो इतना हमारे मुकाबले, देखो ना 1,30,000 और एक तरफ 1,20,000, कितने हो गए 2,50,000 और एक तरफ 2,50,00,000 है। तो इस तरह दूसरों ने, जब उन्होंने ये टेनिस कोर्ट में ओथ लिया, लॉयर 16 रिस्पॉन्डेड बाय लॉकिंग द थर्ड स्टेट ऑफ, उसने को मीटिंग से बाहर कर दिया। थर्ड स्टेट रेलोकेटेड टू अ नियर बाय टेनिस कोर्ट वेयर इट्स मेंबर्स वोट टू स्टे टुगेदर एंड क्रिएट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, ठीक है। ऑन जून 23 लुई 16 रिलेंटेड, ही ऑर्डर द 3 स्टेट्स टू मीट टुगेदर एज अ नेशनल असेंबली एंड वोट बाय पॉपुलेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, भी इनकी बातों को मान लिया गया, आप आ जाए आप बाय पॉपुलेशन वोट कर लें। अब ये टेनिस कोर्ट है, ये देखे सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक बंदा इनको लीड कर रहा है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब हमने अपने राइट्स की बात करनी है और तब तक यहाँ से वापस नहीं जाना जब तक गवर्नमेंट हमारा जो वोटिंग राइट है ना बाय पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये इनका ओथ है, इसको पढ़े कोई बच्चा, ये उनका रिटर्न है जो ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, मुझे वहां से लिख करो। कंसिडरिंग दैट to effect the regeneration of the public order and to maintain the principles of monarchy, that nothing can prevent it from continuing its deliberation in whatever place it may be forced to establish itself, and finally that its member are assembled. उन्होंने कहा कि जनाब इससे मैटर नहीं करता कि मनार्की किसको पैटर्नेज दे रही है, मनार्की का प्रेरोगेटिव क्या है, जहां पे फ्रांस की मेजोरिटी पॉपुलेशन इकट्ठी होगी वही नेशनल असेंबली होगी, चाहे वो टेनिस कोर्ट में हो जाए चाहे वो किसी भी जगह हो जाए। जी मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली शैल इमीडिएटली टेक अ सोलेम्न ओथ नॉट टू सेपरेट, कि यहाँ पे सारे हलफ लेंगे कि जहां पे आज इकट्ठे हुए हैं टेनिस कोर्ट में, कोई इस कॉज से अलहदा नहीं होगा और कोई अपनी कमिटमेंट को नहीं छोड़ेगा, जब जरूरत पड़ी सारे इसी तरह से इकट्ठे होंगे। कंसोलिडेटेड अपॉन फर्म फाउंडेशन एंड दैट द सेड ओथ टेकन ऑल मेंबर्स एंड ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली शैल रेटिफाई दिस स्टेडफास्ट ऑफ, जितने यहाँ पे मौजूद हैं पहले तो हाथ खड़ा करके फिर हर बंदा साइन करे कि इस कॉज के साथ डटे रहना है, जब दोबारा बुलाया गया सारों ने हाजिर होना है और कोई बंदा इस कॉज से पीछे नहीं हटेगा। कॉज क्या थी कि जहां पे हम इकट्ठे होंगे वी आर मेजोरिटी एंड वी कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल असेंबली, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो आपकी क्लर्जी और नोबिलिटी उनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी हम है, हम फ्रांस को चला रहे हैं, टैक्सेशन हम करते हैं, सारा का सारा जो बर्डन है ऊपर वाली अपर क्लासेस को हम टॉलरेट करते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। टोकी तो मेरे अंदर आ रहा,
जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है वो बेसिकली चार फेजेस का बेस करता है, जो आपके पास थर्ड स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फिर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली बनती 1791 पे, एक कन्वेंशन आपकी 1792 में, और एट द एंड फाइनल डायरेक्टरी आती है जिसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट इसको सक्सेस करता है। सबसे पहले नेशनल असेंबली स्टार्ट होती 1789 में। तो बॉयस डिड नॉट एक्चुअली वांट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन न्यूज ऑफ हिज प्लान टू यूज मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट द नेशनल असेंबली रीच्ड पेरिस जुलाई 1479, पीपल स्टॉर्म्ड द बस्टिल, तो बस्टिल जैसे उनके कैपिटल सिटी के पास के इलाका था, लोगों ने उसको आग लगा दी। जब लोगों को क्या कर उसके बाद पेरिस के अंदर मिट्टी आती है, गाने होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा अपसेट होता है। लेकिन नेशनल असेंबली क्योंकि वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, गवर्नमेंट उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर कौन से चेंजेस आते हैं अंडर नेशनल असेंबली? नंबर वन, एबॉलिशमेंट ऑफ गिल्ड्स एंड लेबर यूनियंस। वो जितनी भी लेबर यूनियंस उनको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, जितने भी किसानों की यूनियन है या वर्कर्स की। एबॉलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, वो जो खसूसी मराद किन किन को हासिल थी, क्लर्जी और नोबिलिटी को खत्म कर दिया। और 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है, उसमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं, जो कि राइट्स ऑफ मैन के अंदर आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर मैन, ठीक है, सारे के सारे जो लॉ के सामने बराबर है। मैनी नोबल्स लेफ्ट फ्रांस, अब उनको पता है पड़ेगा कानून के, कानून का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने कहा निकले यहाँ से। और आपको पता है जिस स्टेट के अंदर भी नोबिलिटी रूल करती है, जब उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं बचा, दे लीव द स्टेट, और वो आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हर जगह। मैनी नोबल्स लेफ्ट फ्रांस एंड बिकेम नॉन एज एमिग्रेंट्स, को एमिग्रेंट्स, ठीक है। रिफॉर्म्स इन लोकल गवर्नमेंट और टैक्सेस लेविड बेस्ड ऑन द एबिलिटी, अब ये कॉन्सेप्ट टैक्स लगाना ना उसकी एबिलिटी के मुताबिक लगा, आपने कितना पे कर सारों को एक ही नहीं ना, आप ले जाओ तो ये जो आपकी इकोनॉमी का बर्डन है वो ना तो लोअर मिडिल क्लास उठाएगा, कौन ज्यादा उठाएंगे, एलीट क्लास, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है आमतौर पर टैक्स डाउन तेन तो शाह क्यों नहीं दे रहे सर, सर कॉल चेक कर, प्रॉपर दली माइक ऑफ कर दे काइंडली अपना, माइक ऑन हो गया यार। ये देखें जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दिए गए थे इस रेवोल्यूशन के अंदर, वो कौन-कौन से थे? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को इंपोज किया गया, राइट ऑफ द पीपल टू क्रिएट लॉज। पहले डिवाइन लॉज होते थे, डिवाइन राइट और डिवाइन लॉज, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली कानून बनाएगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ पीपल, ऐसा कानून नहीं कि जो बादशाह ने बना दिया और सारों के ऊपर ठोक दो, कोई ओबे कर सकता है नहीं कर सकता। राइट टू अ फेयर ट्रायल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पहले बादशाह के पास इख्तियार था जिसको मर्जी सजा दे, जिसको मर्जी माफ कर दे, किसी को प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है बड़े बड़े जुर्म करके भी, और कोई डॉलर लूट के भी बच जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको जो है फेयर ट्रायल का राइट मिलेगा। और जितनी भी खसूसी मराद थी, स्पेशल प्रिविलेजेस थी, दिस इज द डेथ ऑफ द एलीट, ठीक है। और चर्च लैंड्स वर सीज्ड, डिवाइडेड एंड सोल्ड टू पीजेंट्स, जो चर्च के पास इतने लाखों एकड़ जमीन उनको फ्री में मिली होती थी उनसे ली गई और वापिस किसानों को दी गई। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी रिक्वायर्ड दैट चर्च ऑफिशियल्स बी इलेक्टेड बाय द, ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है कि अब चर्च के अंदर कौन आएगा इसका फैसला बादशाह नहीं करेगा, कौन करेंगे, लोग विद सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये नहीं कि उनके पास जागीरें होंगी, अब उनकी तनख्वाह होगी महाना।
थर्ड ऑफ द चर्च ऑफिशियल्स फ्लड द कंट्री. ऑब्वियसली कि जिनको रोज हलवा खाने की आदत हो, अब सूखी रोटी तो नहीं खाई जानी तुमसे, तो ताइपे छोड़ के भाग गए. रादर देन सीवियर एलिजेंस टू दिस ऑल फ्यूडल ड्यूज एंड टिथ्स वर इरेडिकेटेड. यानी कि चर्च जो टैक्स लास्ट टू बेटा जो लोग टैक्स इकट्ठा करते थे या जो मजहबी टैक्स था वो खत्म कर दिया गया. ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर एबॉलिश्ड. ठीक है, और देखो अब रेलिवेंस ये है कि ब्रिटेन के अंदर जब रेवोल्यूशन आया था वहां पे सिर्फ मोनार्की को रगड़ा लगा था, नोबिलिटी की बचत हो गई थी, लेकिन यहाँ पे टिपिकली किसको रगड़ा लगा है? और नोबिलिटी को रगड़ा लगने की वजह क्यों थी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कौन है? जनरल असेंबली. वो लोग जिन्होंने पिछले 300-400 साल इस रगड़े को बर्दाश्त किया है, तो उन्होंने देखा कितना सिलेक्टिवली किया है. अब इसको कहते हैं एक्चुअल मानी में रूल बाय द गवर्नमेंट, रूल बाय द पीपल, कि हर एक जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है? कॉमन पीपल ले रहे हैं. लोकल गवर्नमेंट्स को रिफॉर्म किया और ये जो पहले 30 प्रोविंसेस थे ना, अब जगह उन्होंने 83 डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए. लेट्स से कोई डिपार्टमेंट फूड का है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई क्रॉप इंस्पेक्शन का है, और उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, पहले आते थे पॉलिटिकल पैट्रोनेज्ड के बादशाह मुकर्रर करता था, अब लोग डिसाइड करेंगे कौन आएगा. न्यू कोर्ट्स अदालत पुराने जजेस भी निकाल दिए गए. न्यू कोर्ट्स विद जजेस इलेक्टेड. बात देखो जजेस तक की तकरीरी किन के इख्तियार में आ गई. अब देखो अगर ये चीजें पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं बगैर रेवोल्यूशन के, एक जज से लोग मुतमिन नहीं है या वो बहुत डिलेड जस्टिस दे रहा है और लोगों के पास इख्तियार हो तो उसको रिप्लेस करते हैं, क्या चेंज नहीं आ सकता सिस्टम में? ठीक है, तो जब जुडिशरी आपके कंट्रोल, इट मींस जुडिशरी वुड नॉट एक्ट एज अ टूल ऑफ द एलीट. जब उसको पता है कि मेरी जो इलेक्शन है या मेरी जो डी इलेक्शन है वो लोगों के हाथ में है, तो फिर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, नोबिलिटी के लिए करेंगे. ये पहला मरहला था जिसके अंदर नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश होती है और बेसिक ह्यूमन राइट्स आते हैं. दूसरा मरहला था लेजिस्लेटिव असेंबली का. ठीक है, तो रॉयल, अब देखो जैसे उस फंडामेंटल राइट्स आ गए और सारी के सारी अथॉरिटी किनके पास अब चली गई है? लोगों के पास. तो ऑटोमेटिकली जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ना यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उन्होंने फिर यहाँ से निकलने का इरादा किया. रॉयल फैमिली सॉट हेल्प फ्रॉम ऑस्ट्रिया 1791. लेकिन लोग जब मोबिलाइज हो जाते हैं ना तो फिर वो किसी को भागने भी नहीं देते. आपको याद होगा कि श्रीलंका के अंदर जब लोग मोबिलाइज हुए, लोग रिजेंट हुए, तो उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस को अटैक कर दिया और गाड़ियां शाड़ियां फेंक दी नीचे समुद्र के अंदर. लेकिन उन्होंने क्या, जब ये भागने थी ना रॉयल फैमिली, तो उनको रास्ते में किन्होंने फिर इंटरसेप्ट किया? लोगों ने पकड़ दिया रास्ते में. दे वर कॉट trying to escape to Austria. Nobles who fled the revolution lived abroad as emigres. They hope that with foreign help the old regime could be restored. Same wahi khayal jo Jacobite regime, Jacobites ka tha ya phir King James ke bete ka tha, ke pehle pehla beta phir dusra, ke humne old monarchy ko restore karna hai. Kahan se help leke? France se. फ्रांस का अपना सत्यानाश के बाद फ्रांस को भी यही उम्मीद थी कि किसी दूसरे से हेल्प लेके, ऑस्ट्रिया से हेल्प लेके उसी मोनार्की को क्या करना है? रिस्टोर करना है. ठीक है, चर्च ऑफिशियल्स वांटेड चर्च लैंड्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस रिस्टोर्ड. सम डिवोट कैथोलिक पीजेंट्स आल्सो सपोर्टेड द चर्च. पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट, अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है. दो बड़ी पार्टीज थी, एक थे जिरोंडिस्ट और दूसरे थे जैकोबिन. ठीक है, अब जो नई गवर्नमेंट आई है लोगों की, अब इसको भी थोड़ी सी अपोजिशन फेस करनी पड़ी. ऑब्वियसली कहां से करनी पड़ी होगी? चर्च से या नोबिलिटी की तरफ से जो यहां पे रुकी हुई थी. यूरोपियन मोनार्क्स फियर्ड दैट रेवोल्यूशन वुड स्प्रेड टू. अब देखो, अब जब आया फ्रांस तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी बड़े अलर्ट हो. ये जो वेव चल पड़ी है ना यूरोप के अंदर, कभी ब्रिटेन में आ जाता है, कभी अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन आता, तो अभी जो एक लहर चल पड़ी है ये तो पूरे के पूरे यूरोप को रेवोल्यूशनाइज कर देगी और पूरे यूरोप का जो एक मोनार्की सिस्टम उसको अप्रूव कर देगी. वो बड़े से इनसिक्योर हुए.
तो फ्रांस को, फ्रांस वाज इन्वेडेड बाय ऑस्ट्रियन एंड प्रूशियन ट्रूप्स, इस वजह से कि दोबारा मोनार्की को रिस्टोर करें ताकि जो कॉमन पीपल की गवर्नमेंट बनी है इसको क्या करें, डेथ्रोन कर दें। इन द अपरोर द कम्यून टुक कंट्रोल ऑफ पेरिस। कम्यून वाज लेड बाय डेंटन, मेंबर ऑफ द जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी। वोटर्स बिगेन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ न्यू कन्वेंशन व्हिच वुड राइट अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। रिपब्लिकन गवर्नमेंट पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई है। क्या आती है रिपब्लिकन गवर्नमेंट? वो इज रिपब्लिकन गवर्नमेंट, सिंपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यार उसको रिपब्लिकन। फिर तीसरी स्टेज आती है कन्वेंशन, ठीक है। और कन्वेंशन बेसिकली उनके इलेक्टेड, जिसको हम कहते हैं ना एमएनएस, उनके जो थे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जब मिलते थे कन्वेंशन में, पहली दफा मिले 1792 में, और उन्हें पहले फ्रांस को फर्स्ट टाइम रिपब्लिक कब डिक्लेयर किया गया, 1792 के अंदर। और फेस डोमेस्टिक ऑपोजिशन स्ट्राइफ, जिरोंडिस्ट वर मॉडरेट्स हु रिप्रेजेंटेड द रिच मिडिल क्लास ऑफ द प्रोविंसेस। ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, एक रिच मिडिल क्लास की थी, और जैकोबिन्स कहां से थे, बेसिकली वर्कर क्लास थी, ठीक है। Led by Marat, Danton and Robespierre represented workers. और बाहर से opposition क्यों आई? Due to insecurity. Austria, England, Holland, Prussia, Sardinia, Spain, और इन सारों आपको पता है, इन सब बाहर बना था क्या था? Augsburg Alliance. Britain इनको lead कर रहा था, किसके against बना था? France के against. फिर monarchy की abolishment आती है, obviously वो republican के बाद इनका status वो खत्म हो गया। ये देखें जी, आप ये जो शाही खानदान के लोग पकड़े जा रहे हैं ना, उनको फांसियां दी जा रही हैं, ये वो लोग हैं जो ऑस्ट्रिया फरार हो रहे थे। ये लिखा हुआ है कि जिलोटिक इन द स्क्वायर बिफोर द होटल दी विल इलस्ट्रेशन फ्रॉम अ कंटेंपरेरी न्यूज़पेपर। ये उनको यहाँ पर फांसी देंगे, ये सारी आवाम खड़ी है नीचे। फिर चौथा स्टेज था गवर्नमेंट अंडर द डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी ना, उसको मजीद स्ट्रीमलाइन किया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के ऊपर काम किया। और ये चार उन्होंने, सॉरी तीन बनाए। सबसे पहले उन्होंने अपना डिफाइन किया एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर कितने डायरेक्टर थे, ठीक है। इसी तरह लेजिस्लेचर बनाया। अब इनके ना बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, क्या था? बाई पाकिस्तान का भी बाई कैमरल क्या, ट्राई कैमरल, बाई कैमरल का बेटा क्या होता है बाइक, शाबाश, ठीक है। उनका भी एक लोअर हाउस था, कितने मेंबर्स थे, 500, और अपर हाउस के 250। टू थर्ड ऑफ द लेजिस्लेचर वुड इनिशियली बी फिल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कन्वेंशन, जो पिछले कन्वेंशन के उनको उन्हें अंदर अकोमोडेट किया गया। इसके अंदर आप देख लें, इसकी अगर हम उसकी बात करते हैं कंपोजिशन की, तो एक इसके अंदर जिरोंडिस थे, और जिरोंडिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट स्टेटेड सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरिंग, राइट टू वोट। ये उसको गलत नहीं परसीव करना। सफरेज मींस राइट टू वोटिंग, ठीक है। फिर डायरेक्टरी ने क्या क्या किया, ये आप इसकी थोड़ा सा देखिए। डायरेक्टरी suffered from corruption and poor administration. The people of France grew poorer and more frustrated with their government. Despite or perhaps because of these struggles, the French developed a strong feeling of nationalism. They were proud of their country and devoted to it. National pride was fueled by military success. और आपको पता है, जब भी national pride आता है तो फिर यहाँ पे rise होता है बड़े बड़े nationalist का। Britain, Germany के अंदर भी same यही कुछ हुआ था, और हिटलर साहब आ गए थे मंजरनामे पे। तो जब यहाँ पे नेशनल प्राइड आया, तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। तो एक मिलिट्री जो लीडर था नेपोलियन बोनापार्ट, कमिंग टू पावर थ्रू उसने कू किया, ठीक है। और हु वुड एंड द 10 ईयर पीरियड 1789 टू 1799 नोन एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये कैसे कंक्लूड हुआ? बाय द सक्सेशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, एक मिलिट्री कू के जरिए। अच्छा, उसके
बाद ये थोड़े छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, एक आपका एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, को जल्दी से कर लेते हैं।